आज आप लोग का जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का तीसरा दिन है, तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ये पूरा दिन को लेकर? तीसरा दिन तो नहीं है, आज चौथा दिन है, आज फाइनल है। हम 3 तारीख से स्टार्ट किया था और आज 6 है, तो आज फाइनल है, 4 दिन हो गया। तो प्रॉब्लम तो ये मैनेजमेंट में थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और मैनेजमेंट के लिए जैसे कि ये कुछ कुछ मटेरियल्स इधर उधर से लाना, खाना पीना में उसमें बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। तो सर, जो यहाँ में जो फाइटर्स लोग जो गोल्ड मेडल मिला है, yes, उन लोगों को नेशनल लेवल तक कैसे लेके जाएगा, उसमें आप लोगों का क्या मदद रहेगा वो बच्चा लोग के लिए? हम लोग का तरफ से, हम लोग तो यहाँ में जितना अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ में अपना ट्रेनिंग देता है। लेकिन अभी जो जो यहाँ में गोल्ड मेडलिस्ट है और जो जो मतलब सेलेक्टेड प्लेयर्स लोग हैं, वो लोग को नेशनल कैंप बिठाया जाएगा। आप लोग का अंडर द गाइडेंस ऑफ आवा अरुणाचल एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो वो एक तो नेशनल कैंप बिताएगा। आफ्टर वहाँ से वो लोग फिर ट्रायल देगा, जो ट्रायल में अच्छा होगा उसी को नेशनल में ले जाएगा। हाँ, स्पॉन्सर हम लोग का ये बहुत लोग किया है, अभी नाम भी बहुत लोग कमली सर भी ने किए, बहुत लोग वेल सर लोग भी है, और इंडिविजुअल भी बहुत मदद किया है। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग यहाँ तक फाइनल पहुँचे हैं। ये होप तो करता है, क्योंकि हम लोग का मेन जो हम लोग का मोटिव था यहाँ में, हम लोग का बॉक्सिंग को और स्पोर्ट को कैसा प्रमोट करना है। जीरो में एक बहुत अच्छा वेटर भी है, जहाँ में जितना भी फुटबॉल हो गया, जितना भी गेम है, सबको पोटेंशियल भी है। तो जैसे कि हम लोग फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, फैसिलिटी मिली है तो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ से भी प्लेयर्स स्पोर्ट पर्सन निकलेगा। तो सर, आज देखा जाए तो ये स्टेट लेवल बॉक्सिंग जो लॉर्ड्स सुबनसर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड देखने को मिला है कि जो हम लोग का लॉर्ड्स सुबनसर का जो प्लेयर है वो उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, तो सर पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम लगा। तो सर ऐसा क्यों, क्या पार्टिसिपेशन कम है या फिर यहाँ का बच्चा लोग इंटरेस्ट नहीं है कि ये फील्ड में? एक्चुअली यहाँ में ऐसा है कि यहाँ में हम लोग का लैक ऑफ ये प्रैक्टिस ग्राउंड हम लोग का नहीं है। हम लोग अभी ओपन पटे भी आउटडोर स्टेडियम ओपन में खेलते हैं, तो ओपन में खेलने से ऐसा होता है कि रिंग देखने से वो लोग थोड़ा सा रिंग फोबिया हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा हुआ है कि चलो खेलेगा बोला, लास्ट मोमेंट में वो लोग नर्वस हो गया, अपना ब्रेक हो गया। अदरवाइज हम लोग का यहाँ से ऑलमोस्ट जितना कैटेगरी था फुल ही था। तो वही अभी ताकि सर ने भी सी एम सर के सामने अपना कमेंट दिया, अपना वर्डिंग रखा है कि ये रिंग को जीरो में रखेगा और यहाँ में जितना बॉक्सिंग का हो वो सब बना देगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ताकि सर ने भी ये प्रॉमिस तो किया है। मतलब आप कहने का मतलब है कि यहाँ का जो प्लेयर है वो लोग रिंग में वो लोग कभी प्रैक्टिस नहीं किया कभी? यस, रिंग में या मैं रिंग ही नहीं था, ये हम लोग का एडवांस हम लोग जब 1 मंथ ये प्रैक्टिस के लिए स्टेट लेवल के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आभा लोग से करके हम लोग रिंग को लाए। तो उसी का कारण से अभी जैसे कि हम लोग का बहुत सब जूनियर में है 1-2 बच्चा ओनली जस्ट 1 मंथ, और किसी किसी का तो 1/2 मंथ से हुआ है, मतलब सिल्वर आया है। तो उसके लिए तो और अगर रिंग सॉन्ग आते हैं तो और भी मतलब गोल भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, आई होप करते हैं। तो सर आने वाले दिन में मतलब अभी तो रिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको बोलने का मुताबिक लग रहा है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आने वाला कल को ये लॉर्ड सुबनसिरी से गोल्ड मेडल या फिर बच्चा आगे ऐसा मिलेगा आपका साइड से? यस, अभी देखो संसद में हो गया हम लोग का, उसमें भी हम लोग बहुत मतलब संसद जो बहुत स्टेट लेवल वहाँ में मैक्सिमम यहाँ से गोल्ड मिला हम लोग को, और जितना भी अभी साई में हो गया कहाँ कहाँ में बहुत अच्छा अच्छा मतलब ये परफॉर्मेंस हुआ है। साई में भी हम लोग का बच्चा लोग किया है, तो और नेशनल में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग का बहुत बच्चा लोग किया, गोल्ड मेडल मारा है। तो रिंग आ गया तो ऑब्वियसली आएगा ही है, श्योर सत आएगा। अभी यहाँ में डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग साई हो गया, आरजी हो गया, संगेला दौन गया, और सबको मिलाकर 16 डिस्ट्रिक्ट आया है, और 159 यहाँ में बॉयज पार्टिसिपेट किया एंड 66 गर्ल्स, टोटल इतना ही है 218 पार्टिसिपेट आए हैं। सर हम लोग स्पीच में सुना था कि ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा इंटरेंस शुरू में आया था, यस यस, बॉल को लेकर देने में भी कुछ ना, उसमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो गया था, और ये जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा लूप होल मतलब सबका तरफ से, हम लोग का तरफ भी कुछ रह गया था, वो लोग का तरफ से रह गया था, वही उसी का कारण हम लोग मतलब ये नहीं मिल पाया। लेकिन
अल्टीमेटली ये शॉर्ट आउट हो गया, तो अपना रिंग यहाँ प्रैक्टिस भी करने के लिए दिया है डीसी सर, ये बेनू भी यहाँ में कराया है। जस्ट प्रैक्टिस जो मल्टीपर्पज जो इंडोर स्टेडियम है उसी का थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अभी हम लोग का रिंग तक्की सर प्रोवाइड कर देने से हम लोग रखने का जगह नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर से गड़बड़ हो गई है। लेकिन तक्की सर बोल रहा है कि उसमें हम लोग को सब कुछ सही रोड बना देगा, आई होप करता है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सर आपका जो जो प्लेयर है जो आज फाइनल में जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है, तो लाइक उसको पार्टिसिपेट उसको प्रैक्टिस कराने का टाइम ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लाइक गोल्ड मेडल जीत गए अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट ने गोल मारा, और मैं तो सबसे पहले थैंक्स कहूँगा मेरा चारमन डिस्ट्रिक्ट का डीसी सर को, उन्होंने बहुत एफोर्ट किया हम लोग का इक्विपमेंट्स के लिए, और मोशन सर कमलों मोशन सर जो चारमन डिस्ट्रिक्ट में है वो लोग ने गेम के लिए वो लोग ने मदद किया, और वहाँ में जितना भी बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स है वो डीसी सर और मोशन सर का थ्रू से ही आया है, और वो लोग को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा मैं। तो आपका प्लेयर का नाम क्या है? मेरा प्लेयर का नाम होनंग कोकंग में, जो कि मेरा भाई है और मेरा सर ये ट्रेन करता है, और आज के लिए उम्र कितना, एज कितना होता है? एज इसका अभी 11 इयर्स हो रहा है। 11 इयर्स हाँ जी। तो आज तो इतना छोटा सा उम्र में अभी वो गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, तो फिर आगे जाके जो नेशनल लेवल में उसमें पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा, एंड उसको लाइक फाइनेंशियली ये सब आप लोगों को कौन सपोर्ट करता है? फिलहाल तो हम चारमन डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग देता है, वहाँ से हमको डीसी सर फंड देता है, हमको पैसा देता है सैलरी, तो वहाँ से मेरा भाई को वहाँ से जो हमको सैलरी मिलता है उसी से ही भाई को भी साथ में पढ़ा के लिखा के मेरा साथ ही बिताता है भाई को, ट्रेनिंग मेरे साथ करता है, और वही फ्यूचर में भी वही से मैं काम चला के बाद में अगर फ्यूचर में नाम होगा भाई का हम लोग का नाम होगा तो बाद में कुछ होगा अच्छा चीज़ हो जाएगा। तो आपका प्लेयर आज कितना यानी पार्टिसिपेशन किया है? टोटल मेरा चारमन डिस्ट्रिक्ट से हम प्लेयर लेके आए नाइन प्लेयर्स, उसमें से दो लड़की है उसके बाद 7 लड़का, तो उसमें से मेरा टोटल 7 मेडल्स आए, 9 में से 7 मेडल्स आया है, उसमें 2 गोल्ड है, उसके बाद 2 सिल्वर है, और उसके 3-4 ब्रॉन्ज है। तो आगे जाके जितना भी आपका जो प्लेयर है उनको आगे जाके आप ऐसे सपोर्ट करेगा जो नेशनल लेवल में आगे जाके ऐसे आप सपोर्ट करेगा, तो उनको प्रैक्टिस कराते रहेगा? जी ज़रूर, अभी तो स्टडी हुआ है, ये लोग का अभी शुरुआत ही है, और अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, ये तो सिर्फ हम लोग का फर्स्ट स्टेप भी है, और बहुत कुछ सीखना बाकी है लोग को, और सिखाते रहूँगा, मेरा काम ही यही है। तो सर आपका कितना स्टूडेंट आज यहाँ पे फाइनल में पहुँच पाए और कितना लोग ये जो विनर हासिल कर पाए? सर एक्चुअली मेरा आया है 23 आया है, 23 में से हमारा अभी तक मिला है मेडल, 4 गोल्ड आया है अभी तक, एंड 2 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आया है, उसका अभी तक हिसाब में नहीं है कितना आया है, और बाकी कुछ है मेरा स्टूडेंट बाकी डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है, उसमें भी हमारा सिल्वर 2 सिल्वर्स आया है और 1 ब्रॉन्ज आया है उसमें भी। फाइनल डे में तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब ये ऑर्गेनाइज किया है? तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर टीम वो मालूम होगा, क्योंकि हम लोग तो ऑर्गेनाइज टीम नहीं है, हम लोग तो पार्टिसिपेट करने आया है, तो इसलिए प्रॉब्लम उसका तो क्या है उन लोग खुद बता सकेगा उस बारे में, हम लोग तो अपना जो यहाँ में प्रॉब्लम थोड़ा पेश है उसको बोल सकता है, थोड़ा सा ये खाने में थोड़ा सा वीक है एंड एकोमोडेशन थोड़ा कमज़ोर है, और तो बाकी ओवरऑल तो गेम तो ठीक करा रहे हैं अच्छा है। तो सर जो आपका स्टूडेंट जो जीता है उनको आगे नेक्स्ट लेवल में अभी कैसे ले जाएगा, और आगे स्टेट लेवल नेशनल लेवल में कैसे ले जाएगा, उसका प्रोवाइड उसको फैसिलिटी कैसे आप प्रोवाइड करेगा? अभी एक्चुअली इसमें जो सेलेक्ट होगा गोल्ड लेगा उसको डायरेक्ट सिलेक्शन है नेशनल गेम के लिए, उसके लिए उन लोग ये कोचिंग कैंप रखेगा 1 वीक या 2 वीक का रखता है, जो उसे फिर सेलेक्ट होगा उसे फिर ले जाएगा। सर जो ये एकेडमिक सेशन है वो जो प्रैक्टिस को आप कैसे मैनेज करता है? एक्चुअली इसमें ऐसे है कि हम लोग मॉर्निंग आवर्स होता है 5:30 to 7:30 तक प्रैक्टिस करते हैं संगल अर्डन पे, तो उसके बाद आपका एकेडमिक सेशन शुरू करता है, और इवनिंग को हम लोग करते हैं 3:30 and 6:30 तक करते हैं, देन उसके बाद उनका स्टडी आवर्स होता है, उसके बाद उन्होंने डिनर फिर सो जाता है। मेरा नाम लीरंग सुमियन है और हम तीरप डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और यहाँ हम बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने आए, हम
लगभग 34 ऐसा कुछ मेंबर आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। और हम एग्जैक्ट तो कौन सा क्लब में सीख कर आए हैं और रास्ता वगैरह हमें बहुत काफ़ी सुंदर लगा कि नेचर, और जीरो में मेरा ये फर्स्ट टाइम विजिट है, फिर ये सराउंडेड्स ऑफ ये ग्रीन एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया लगा हमें। और यहाँ का फैसिलिटीज जितना भी रिंग वगैरह है, यहाँ का क्लब्स, ये कौन सा पढ़ रहे हैं ना, सुबनसरी, लवर सुबनसरी, हाँ काफ़ी अच्छा लगा। और हमें हम सीमी तक पहुँचे और अनफॉर्चुनेटली हम अपना गेम को लूज़ किया, फिर भी हम ठीक है, हम दो महीना सीख के आए हैं, फिर हम खुद से प्राउड भी होते हैं कि कुछ सीखने मिला है, कुछ बहुत कुछ सीखने मिला है और काफ़ी हद तक मतलब फाइनल तक पहुंचा है और आगे देखा जाएगा। और फिर नेक्स्ट साल हम यहाँ आएंगे तो कुछ अपना ऊपर ये इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे। तो ये आपका पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम है या फिर आप पहले से ये? जी फर्स्ट टाइम मतलब एक्सपीरियंस आपका कैसा था? फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बहुत बढ़िया लगा। वैसे तो मेरा कदम बॉक्सिंग में एकदम सोचने में ये दिल में बहुत कुछ आता था, सोचता था कि बॉक्सिंग ये जैसे कि कई यूट्यूब्स वगैरह ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स माइक टायसन ये सब का देखता है, तो मेरा दिल में मतलब ऐसा कुछ भेज जाता है कि हाँ हम भी एक दिन उसी तरह बनेंगे कि सब मतलब नाम भी छा जाएगा, वो चीज़ जो ना, वो चीज़ जो फिर वही मोटिव से आए हम तो अपना के लिए। तो आप फाइनल में तो नहीं पहुंच पाए पर आप जितना जहां तक फाइनल में पहुंच पाए हैं, आई मीन जो रिजल्ट तो पर जी 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 फाइनल में लूज हुआ मेरा, हाँ तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? वही कि हमारा कोच बहुत मेहनत किया हम लोगों के लिए कि शाम सुबह बहुत प्रैक्टिस किया और ये हमारा स्टडी भी ऐसे जारी रखा कि स्टडी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ, और उसी का साथ साथ हम खेल को भी अपना साथ लेके चले गए तो वो बहुत बढ़िया बात है। और आप आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? नेक्स्ट स्टेप फ्यूचर देखा जाएगा। फ्यूचर वैसे तो पढ़ाई अपना छोड़ना नहीं है आगे, बात पहले बात तो फिर कुछ गेम बॉक्सिंग वगैरह हो गया उसमें हम इम्प्रूव करते रहेंगे अपना।